नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है सीयूटी पाठशाला में। मैं मानस मिश्रा, आप सभी निराला बैच से जुड़े हुए हैं और इसमें जो प्रयोजन मूलक हिंदी यूनिट 4 की कक्षा चल रही है ये, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी, मूलक हिंदी है, ठीक है, और ये यूनिट 4 आपका चल रहा है और उसमें हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के जो परिभाषाएं हैं, जो शब्दावली है और उसमें किस प्रकार से भावनाएं संवेदनाएं नहीं रहती हैं, इन सारी चीजों का बता चुके थे। इस वाली कक्षा में हम प्रयोग के आधार पर बात करेंगे और उसके जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, ठीक है। तो उसके कितने रूप होते हैं आप लोग जान लीजिए। प्रश्न बन सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप होते हैं, तो 7। कितने रूप होते हैं? 7। ये सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका कभी पूछ दिया जाए तो कितने रूप होते हैं? 7 रूप होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप नहीं है, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कौन कौन से रूप हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे। साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, सामाजिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि एवं कानून के कार्य से संबद्ध हिंदी, जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी और वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, ठीक है। पिछली वाली कक्षा में कुछ कुछ शब्दावलियों का हमने प्रयोग किया था, जैसे कि साहित्यिक हिंदी, जैसे कि व्यावसायिक हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी का भी हमने प्रयोग किया था और तकनीकी हिंदी का भी हमने शब्द का इस्तेमाल किया था। आज के इस वीडियो में लगभग 7 शब्दावलियों पर एक एक करके बातचीत करते हैं। पहला हम देख लेते हैं साहित्यिक हिंदी। देखिए आप लोग समझना है, ठीक है, समझने के उद्देश्य से हम आपको बता रहे हैं साहित्यिक हिंदी, वरना प्रश्न सीधे यही बनेगा कि कितने प्रकार के विविध रूप हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं और कथन के रूप में पूछ सकता है ज्यादातर, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव ज्यादा है और ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत कम बनते हैं। इसमें आपकी समझ के अकॉर्डिंग प्रश्न बन सकते हैं कि आपको प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है आपका। तो ज्यादा देरी ना करते हुए साहित्यिक हिंदी में देख के बातचीत करते हैं। साहित्यिक हिंदी क्या होती है? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कबीर को, पढ़ते हैं जायसी, पढ़ते हैं तुलसीदास, पढ़ते हैं या फिर प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध, किसी को भी पढ़ते हैं, तो इनकी जो हिंदी होती है इसका क्या उद्देश्य होता है? या तो समाज सुधार के उद्देश्य से ये लोग लिखते हैं हिंदी, या फिर किसी को भावनात्मक मनाने के लिए करते हैं, लिखते हैं हिंदी, या फिर मनोरंजन के उद्देश्य से करते हैं हिंदी, ठीक है, या फिर एक सामाजिक उद्देश्य होता है या राजनीतिक उद्देश्य होता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हिंदी प्रयोग होती है वह होती है साहित्यिक हिंदी, ठीक है। साहित्यिक हिंदी में भावनाएं रहती हैं, मुहावरे रहते हैं, भाषा थोड़ी सी लचीली होती है, उसमें संवेदनाएं ठूस ठूस कर भरी होती हैं, सीधे सीधे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है, आपके जनजीवन से जुड़ी होती है, आपके दैनिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है, तो ऐसी हिंदी साहित्यिक हिंदी कहलाती है, ठीक है। इसमें हम उदाहरण गबन, गोदान और सेवा सदन, शेखर एक जीवनी या इस तरह के उपन्यास और कहानियों को ले सकते हैं। दूसरी हिंदी है वो है कार्यालय हिंदी, ऑफिशियल हिंदी। ऑफिशियल हिंदी आप लोगों को पता ही है कि यदि हम कक्षा में पढ़ रहे हैं या फिर हमको अपने किसी प्रधानाचार्य या फिर किसी अपने से बड़े अधिकारियों को पत्र लिखना है या कार्यालयी भाषा में हमको कुछ भी प्रेषित करना है, तो कुछ शब्दावली होती है, जैसे कि नामांकन, जैसे कि साक्षर, या फिर एक शब्द बहुत प्रचलित है नोटिफिकेशन, ठीक है, आप देते हैं किसी को, ठीक है, अभिक्षमता, तो कुछ ऐसी शब्दावली हैं जो कार्यालय के लिए उपयोग की जाती हैं, प्रेषक, ठीक है, तो एक लेटर फॉर्म में सारी चीजें होती हैं। तीसरी होती है सामाजिक हिंदी। सामाजिक हिंदी क्या होती है? समाज के क्रियाकलापों से संबंधित हिंदी, समाज के क्रियाकलाप, जैसे कि यदि हमारे यहाँ बाढ़ आई है, हमें बाढ़ से संबंधित कुछ सूचना देनी है, तो सीधे सीधे एक न्यूज आ जाती है या फिर एक खबर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने इतने प्रतिशत बारिश हुई, इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर बारिश हुई और इस कारण से हमारे यहाँ बाढ़ जैसी संभावना है और बाढ़ के जो कारण हो सकते हैं और या परिणाम होंगे उन सभी को हम सामने रखते हैं। और ये उद्देश्य होता है समाज को जगाने का कि इस प्रकार से ये ऐसी बाढ़ पहले आई थी और इस प्रकार से आ सकती है, तो उसके निदान क्या हो सकते हैं समाज में या फिर इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सामाजिक हिंदी हो जाती है। व्यावसायिक हिंदी क्या होती है? व्यावसायिक हिंदी हम देखते हैं कि मोदी जी आए बनारस, ठीक है, मोदी जी बनारस आ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऊपर बड़े बड़े मोटी मोटी हेडिंग में लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काशी आगमन, ठीक है। नीचे ये खबर छपती है कि 600 करोड़ या 800 करोड़ की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी अमूल, उसका उद्घाटन होना है, मोदी जी आ रहे हैं बनारस और अमूल कंपनी का उद्घाटन होना है, आए हुए हैं वहां पर, एक दूसरी खबर छपी हुई है, नीचे दूसरी खबर छपी हुई है, लेकिन वास्तविकता में दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
ठीक है। तो ऐसे हिंदी व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपको किसी कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना हो, ठीक है, या फिर आपको प्रमोशन करवाना हो, जैसे कि कुछ यूट्यूब्स हैं वो व्यवसाय के आधार पर भी इस हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विधि एवं कानून के कार्य संबंध हिंदी, विधि जैसे कि फलाने फलाने नामांकन तिथि को इतने इतने डाक संख्या या इतने इतने गाटा संख्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑब्लिक ऑब्लिक 617 ऑब्लिक, ये पोस्टर नंबर होते हैं कई बार, तो एक दिनांक 217/2017/602, मतलब सन डेट और कौन सा लेटर और कौन सी तिथि को किस तरीके के किस फाइल में रखा हुआ है, उन सारी चीजों का विवरण जिस प्रकार से आता है और इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, तो ये एक प्रकार की भाषा होती है, विधि एवं कानून की भाषा, ठीक है। कि इस धारा के तहत, इस IPC की धारा के तहत आपको ये सजा होती है, या फिर इस धारा के तहत आपको बरी कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी भाषा क्या होती है, विधि एवं कानून की भाषा। अगला है जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी, जनसंचार के माध्यम जैसे कि TV मल्टीमीडिया या फिर अखबार, तो इन सभी के लिए कौन से हिंदी का प्रयोग किया जाता है, सामान्य बोलचाल की भाषा से हिंदी अलग होती है, इनके इसमें हिंदी का प्रयोग वही शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो कि आम प्रचलित आम जनता में तो प्रचलित होते ही है, खास तौर पर जो एक शब्दावली से एक ही शब्द से बहुत सारी चीजों को व्यक्त कर दे, जैसे कि यदि कहीं पर ध्वजारोहण हो रहा है तो एक बड़ी हेडिंग में चला दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ध्वजारोहण, ठीक है, तो जिसको हाईलाइट करना होगा वो शब्द पहले आ जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ध्वजारोहण, इससे पता चल गया आपको कि लाल किले में झंडा फहरा होगा, या तो फिर इस तरीके से होता है न्यूज के लाल किले में फहराया गया झंडा, तो लाल किले में यदि फहराया गया होगा झंडा तो मोदी जी ही फहराएंगे, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री फहराता है। तो इस प्रकार की भाषा या शब्दावली का प्रयोग जब होता है तो जनसंचार के माध्यमों के लिए हिंदी का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक क्षेत्र में यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है तो आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही कहेंगे उसको, ठीक है, यदि कोई रिएक्शन हो रहा है कहीं पर तो उसको आप उस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली में यदि हम जाते हैं तो वैज्ञानिक शब्दावली जैसे कि एक शब्द है जिसको बोलते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया था फोटोकॉपी का, फोटोकॉपी या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, तो ये सारी चीजें क्या है, ये नई शब्दावली भी और वैज्ञानिक शब्दावली भी है। तो इन सारी चीजों का हम प्रयोजन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं हम हिंदी में, तो उन सभी को हम पढ़ते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के फॉर्म में। अब हम लोग समझते हैं पूरा प्रयोजन मूलक हिंदी को एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से, आप लोगों की स्लाइड दिख रही होगी, क्लियर नहीं दिख रही होगी इसका हम PPT आपको या PDF आप तक मुहैया करवा देंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास, हिंदी से ही माना गया है, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की ही एक ये शाखा है, ठीक है, और इसलिए फिर इसके बाद ये प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में आती है। इतना हम पहले वाली वीडियो आपको बता चुके थे। प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्यतः तीन प्रकार के तत्व मान लीजिए, पहला है मुख्य तत्व, दूसरा है मुख्य शैलियां, ठीक है, तीसरा है आपका प्रमुख विशेषताएं या चौथा प्रमुख विशेषताएं, दूसरा है प्रमुख प्रयुक्तियां। तो जो प्रमुख जो प्रयुक्तियां हैं यही आपके रूप है, ठीक है, रूप है। तो मुख्य तत्व क्या हो गए, पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद प्रक्रिया और भाषिक संरचना, इन तीनों के आधार पर भी प्रयोजन मूलक हिंदी को समझा जाता है। फिर इसके बाद प्रमुख प्रयुक्तियां क्या होंगी या इसके विविध रूप क्या होंगे, साहित्यिक वाणिज्यिक कार्यालय राजभाषा विज्ञापन भाषा विधि एवं कानूनी भाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा, ठीक है। इसके बाद मुख्य शैलियां क्या क्या है इसकी, बोलचाल संवाद भावात्मक सामाजिक पत्र लेखन व प्रशासनिक। ये आप लोग चार्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये चार्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आपके बहुत सारे प्रश्न इससे हल हो सकते हैं। जैसे कि मुख्य शैलियां कितने प्रकार की होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 प्रकार की क्या हो गई, मुख्य शैलियां हो गई। मुख्य तत्व कितने होते हैं, 3 हो गए। प्रमुख प्रयुक्तियां कितनी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्रमुख प्रयुक्तियां कितनी हो गई, 7 हो गई। एक एक वन लाइन प्रश्न। प्रमुख विशेषताएं इसकी जो निकल कर आती हैं, अनुप्रयुक्तता, वैज्ञानिकता, सामाजिक और भाषिक विशिष्टता, ठीक है। और इसके पांचवा है मुख्य रूप क्या है, मुख्य भेद क्या है, तो अभी हमने बताए थे टोटल 7 है ये, जिसमें साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, सामाजिक व्यावसायिक विधि एवं कानून संबंधित, जनसंचार एवं वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली। तो ये पूरा चार्ट है आपको, और एक चार्ट से आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न बन सकते हैं, तो वो आपके कंप्लीट यहीं से हो जाएंगे। एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी
यदि प्रयुक्ति के माध्यम से देखा जाए तो प्रयुक्ति या प्रयुक्तता के या यूज के माध्यम से देखा जाए तो प्रयोग के माध्यम से इस प्रकार से हम बांट लेते हैं। ये जो शब्दावलियां हैं आपकी, ये अधिकांशतः प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं, हिंदी में भी या हिंदी के भाषा विज्ञान नामक शाखा में भी प्रयोग की जाती है। जैसे कि मानक हिंदी क्या है, संपर्क भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, त्रिभाषा, राजभाषा और राजभाषा, इन सभी में छोटा छोटा अंतर है, लेकिन क्या अंतर है आप लोगों को समझने की जरूरत है। कथन और निष्कर्ष में ये मैंने बताया पूछे जाएंगे 100% और लगभग 75% आपके पूछने हैं। आपका जो एग्जाम है वो 21 तारीख को है, आपके पास कुल मान के चलिए ज्यादा नहीं तो 15 दिन बचे हुए हैं, इसी में आपको सारी चीजें कवर करनी है। और मुझे नहीं लगता यदि आप पर डे 5 घंटे से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता दिया। यदि आप 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई को नहीं दे रहे हैं तो आप यह बिल्कुल भी मत सोचे कि आपका हो सकता है, यदि होगा भी तो राम भरोसे, ठीक है, बाकी राम भरोसे बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। तो मानक भाषा देखते हैं कि मानक भाषा क्या होती है। हर एक चीज की, हर एक भाषा का एक मानकीकरण होता है, मानक रूप होता है। तो मानक किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक स्टैंडर्ड रूप ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बोलचाल की भाषा में या हम पढ़ा रहे हैं तो उसका एक मानक है, हम भोजपुरी या किसी अन्य भाषा में आपको नहीं पढ़ा सकते, हम एक खड़ी बोली फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं और एक बोर्ड में और एक पेन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो एक मेरा मानक है, ठीक है। इसी प्रकार मानक भाषा का भी एक मानक होता है। भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा या टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। एक प्रश्न बन गया आपको कि मानक भाषा को और क्या क्या कहा जाता है, आदर्श भाषा, टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। टकसाली क्या होता है, टकसाल एक जगह होती है, ये टकसाली शब्द कहां से बना है, सिक्के जहां मढ़े जाते हैं, सिक्कों की जहां ढलाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टकसाल, सिक्कों की जहां ढलाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है, सिक्कों की ढलाई। इसी प्रकार भाषा की जहां ढलाई होती है, भाषा का एक मानक रूप तैयार किया जाता है तो वो मानक भाषा कहलाती है। आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं मानक भाषा पर, ठीक है, ये बहुत गलत शब्द लिख गया, यहाँ प्रदर्शित गोलियां नहीं है, यहाँ पर प्रादेशिक बोलियां, ठीक है। तो मानक भाषा पर हमेशा प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव रहता है, ठीक है, प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव रहता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में यदि हमें तो, या बिहार का हमको बहुत हंसी आती है कि यदि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि बुंदेलखंड में पैदा हुआ, यदि मैं बुंदेलखंड के अलावा बनारस या बलिया या फिर इधर भोजपुरी क्षेत्र में पैदा हुआ होता तो मेरा नाम मानस नहीं होता, यहाँ पर मानस का मनसवा हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ वा लगा देते हैं और कई बार हमारे नाम के आगे मनसा लगा देते हैं, ठीक है, तो मानस तो कोई बोलता नहीं, तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ नहीं पैदा हुआ कई बार, ठीक है। इसका लिखित रूप ज्यादा संस्कारगत है और उपयोगी भी है। जिस प्रकार हम किताबी भाषा को देखते हैं ना, किताबी भाषा एक मानक भाषा के रूप में आती है, जो भी स्टैंडर्ड बुक होती है वो मानक भाषा होती है, ठीक है। एक बात और देख लीजिए कि हमारे भारत में जो जिस लिपि का या हिंदी में जिस लिपि का प्रयोग होता है वो दो ही लिपि है, एक है मतलब देवनागरी लिपि तो है, ठीक है, देवनागरी लिपि तो है, ठीक, लेकिन फॉन्ट कौन कौन से प्रयोग होते हैं ये आप लोग जान लीजिए। फॉन्ट क्या होते हैं, फॉन्ट लेखन शैली होती है। तो फॉन्ट में एक होता है कृतिदेव टेन और एक होता है मंगल। तो हिंदी के लिए दो ही फॉन्ट प्रयोग किए जाते हैं, कृतिदेव टेन और मंगल, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला फॉन्ट कौन सा था देवनागरी का, तो वो था लीला फॉन्ट था, कौन सा, पहला फॉन्ट था। तो ये सारी चीजें आप लोग जानकारी रखिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। संपर्क भाषा के रूप में देख लेते हैं, तो संपर्क भाषा क्या होती है, दो जिलों या दो राज्य या फिर राज्य या केंद्र के बीच में जो बीच की भाषा होती है, दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने की भाषा होती है, उसको बोलते हैं संपर्क भाषा। इसको अंग्रेजी में कॉन्टेक्ट लैंग्वेज या लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य, केंद्र राज्य केंद्र, देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी एक संपर्क भाषा है, इस प्रकार भारत में अधिकांशतः हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में देखते हैं, ठीक है, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में है, ठीक है। संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता है कि उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति और सरल होती है, मतलब संपर्क भाषा जो भी होगी वो बोलचाल की दृष्टि से सरल होगी और लिखने की लेखन शैली में भी उसका प्रयोग सरलता से किया जाएगा। पारिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि बोलचाल में यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा।
और वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही मान्य है अधिकांशतः। भारत की 43.6% जो पॉपुलेशन है वो अपने हिंदी को मातृभाषा समझती है, ठीक है, और इसलिए ये बहुत गर्व की बात है। और इसलिए भारत को या भारत में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया गया है। तो हिंदी किस लिए उपयोगी है, संपर्क भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, आने वाली वीडियो हम और भी बताएंगे त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है, इसके बाद राजभाषा क्या है, राज्यभाषा क्या है, तो इसके बारे में अगली वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद साथियों।